वेलकम टू स्वरमय टाइम्स, यू आर वॉचिंग फूड मीडिया विद शिवानी। तो आज मैं आ गई हूँ ब्लू चू कैफ़े, जिसे लोग हम्पटी डम्पटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि टीवी टावर रोड के पास ब्रिज के नीचे जस्ट अनुपम नगर में। तो आप भी यहाँ ज़रूर आइए। और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ का अच्छे से एम्बियंस और यहाँ का फूड कैसे है। तो स्पेशली यहाँ का एम्बियंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जैसे कि ये एविला स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का फूड और यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे। तो आपने यहाँ का एम्बियंस तो देख लिया, अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। तो चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं और देखते हैं वो कैसा है। मैं चाइनीज़ में से कुछ ऑर्डर करूँगी, चिली गार्लिक नूडल, मुझे बहुत पसंद है चिली गार्लिक नूडल। तो मैं एक नूडल ऑर्डर करूँगी और साथ में एक कैपेचिनो। तो ये दो चीज़ें मंगाती हूँ और आपको प्रिपरेशन भी दिखाएंगे इसकी और फिर टेस्ट करके बताएंगे कि वो कैसा है। तो हम रूचू किचन के अंदर आ चुके हैं, तो चलिए यहाँ के शेफ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय राणा। विजय राणा, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। कब से हैं आप यहाँ पे? 6 मंथ। अच्छा, 6 महीने से हैं। तो ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ ऑर्डर? नूडल्स की। तो आप हमें दिखाएंगे कैसे बनता है गार्लिक नूडल? ठीक है, अभी दिखाता हूँ बना के। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि नूडल कैसे बन रहा है, फिर लास्ट में इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या क्या डाला है उसमें। काफ़ी अच्छा है, गार्लिक का टेस्ट और चिली का टेस्ट परफेक्ट है। चिली गार्लिक नूडल जैसा नाम है वैसा टेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चिली गार्लिक नूडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, परफेक्ट जैसा मुझे पसंद है वैसा ही बना है। चिली का परफेक्ट टेस्ट आ रहा है और गार्लिक का अच्छा। आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप चिली कम डलवा देंगे। और गार्लिक का भी बहुत ज़्यादा एक्सेस टेस्ट नहीं है कि बहुत सारा गार्लिक भर दिया उन्होंने, काफ़ी माइल्ड टेस्ट है, नॉर्मल है, काफ़ी अच्छा है। तो गार्लिक नूडल तो मैंने टेस्ट कर लिया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। मैं नूडल्स तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी यहाँ पे। तो अब कैपेचिनो की बारी है। शुगर इसमें नहीं है, आपको डालना पड़ेगा। कैपेचिनो के साथ इन्होंने कुकीज़ भी दी है, तो मैं आपको लास्ट में टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। तो मुझे मीडियम स्वीट पसंद है कॉफ़ी में मेरे, तो मैंने सिर्फ एक शुगर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। इसे मिक्स करेंगे और कैपेचिनो बेसिक टेस्ट है, जैसा कैपेचिनो लोगों को पसंद होता है शायद वैसा ही है। मुझे बहुत पसंद है कैपेचिनो, मैं जहाँ भी जाती हूँ कैपेचिनो ऑर्डर करती हूँ या फिर मोका। तो अच्छा है, आप अपने हिसाब से इसमें शुगर डालिए, टेस्ट कीजिए। और कुकीज़ भी दिए इन्होंने, दिखा के बता देती हूँ आपको। अमेजिंग। एक्चुअली मैं कॉफ़ी कुकीज़ के लिए ऑर्डर करती हूँ, कुकीज़ बहुत अच्छी है इनकी। किसी किसी को कुकीज़ पसंद होती हैं कॉफ़ी के साथ, किसी किसी को अपनी कॉफ़ी कॉफ़ी के साथ कुछ खाना नहीं पसंद होता है। मुझे कुकीज़ बहुत पसंद है कॉफ़ी के साथ,
तो मैं कुकीज़ के लिए स्पेशली बोल देती हूँ अगर कहीं नहीं भी है तो बस आप भी आइए यहाँ, इन्जॉय कीजिए यहाँ की कॉफ़ी। गार्लिक नूडल तो मैं मच रिकमेंडेड है, गार्लिक नूडल यहाँ का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो आप आइए, कॉफ़ी ट्राई कीजिए, नूडल्स ट्राई कीजिए, और भी इनके मेन्यू में बहुत कुछ है, तो आप ज़रूर आइएगा। और हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे, अगर आप हमारी रिकमेंडेशन में कहीं भी जाते हैं तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वो प्लेस कैसी लगी। और साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि नेक्स्ट प्लेस आप कौन सी चाहते हैं। तो हमने फूड टेस्ट कर लिया है, काफ़ी अच्छा था सारा चीज़। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के मैनेजर। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सोनी जी। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पे? ये 7 मंथ हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी मुझे इतनी भीड़ नहीं लग रही है, शाम को मेनली यहाँ पे भीड़ रहती है ज़्यादातर, मैंने देखा है। ज़्यादातर क्या है, शाम ही को आते हैं, पेरेंट्स के साथ किड्स आते हैं, प्ले स्कूल बगल में, तो वहाँ क्या प्ले खेलते हैं, फिर यहाँ फूडिंग होता है, ये हमारे रेस्टोरेंट में बच्चों के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तो मेनली यहाँ पे बच्चे काफ़ी आते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि जस्ट बगल में प्ले स्कूल है, तो उसके साथ मेन्यू का जो है फूड है वो बच्चों के हिसाब से रखा गया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मेन कोर्स नहीं है। बच्चों को जो चीज़ें पसंद है वो है इसमें, नूडल्स है, पास्ता है, ये सब है, और पेरेंट्स के लिए कॉफ़ी है, तो उसका मेन्यू उस हिसाब से डिसाइड हुआ है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ तो उसका एड्रेस एक बार आप बता देंगे सर? एड्रेस ये टीवी टावर के पास, अनुपम नगर, ब्रिवेंच्यू नाम से। थैंक यू सर। तो अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, आप ज़रूर आइए यहाँ, यहाँ पे फूड टेस्ट कीजिए, और बगल में प्ले स्कूल भी है, अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप प्ले स्कूल ला सकते हैं, यहाँ पे प्ले स्कूल भी है और ऊपर बुटीक भी है, तो आप ज़रूर आइए। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट हम कहाँ जाएँ, तो हम आपके रिकमेंड प्लेसेस में ज़रूर जाएँगे, एक बार विज़िट करेंगे। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं हूँ शिवानी, फॉर माय टाइम्स।